आगे लखनऊ से उन्नाव की तरफ ये रामसिंह प्रधान का जो तिरंगा अभियान था, तिरंगा यात्रा थी, ये निकल चुकी है। लखनऊ को लगभग क्रॉस कर चुके हैं और इस वक्त उन्नाव हाईवे पे ये जो यात्रा है ये चल रही है। लेकिन जो जोश लखनऊ से शुरू हुआ था वो जोश अभी भी उसी तरह से बना हुआ है। उन्नाव हाईवे पर इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, ये तिरंगा यात्रा जो है वो पहुंच रही है। लेकिन अगर इसके जोश की बात करें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर अभी भी पीछे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो युवा हैं, जो इस यात्रा में लखनऊ से ही शामिल हुए थे, वो सभी के सभी इस यात्रा में अभी भी चल रहे हैं और लगातार इस यात्रा को, इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने की जो कोशिश है वो चल रही है। चुनावी यात्राएं और इस तरह की कई सारी यात्राएं जो है वो आप सबने देखी होगी। लेकिन अगर इस वक्त की अगर बात करी जाए, क्योंकि ये एक तिरंगा यात्रा है तो इसमें एक अलग तरह का जोश, और इस जोश में कहीं ना कहीं हर उम्र के, हर जो उम्र के लोग हैं वो भी इस जोश में शामिल हैं, चाहे वो बुजुर्गों की बात करी जाए या फिर महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, लगभग सभी उम्र के लोग जो है वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। और बड़े पैमाने पर जो गाड़ियां हैं, बड़े पैमाने पर जो बाइक्स हैं, उस पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने की जो कोशिश है वो करी जा रही है। तो कुल मिलाकर पूरा प्रयास था, आज आज़ादी का जो 75वां वर्ष पूरा हो रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, उसमें 75 किलोमीटर की ये जो तिरंगा यात्रा रामचंद्र प्रधान जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं उनकी तरफ से शुरू की गई थी। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आकर के इसकी अगुवाई की, इसकी शुरुआत करी और अब धीरे धीरे ये जो तिरंगा यात्रा है ये इसी तरह से बढ़ती जा रही है। लखनऊ से निकल करके अब ये उन्नाव की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि 75 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करना है। लखनऊ के बॉर्डर को एक तरह से क्रॉस कर लिया गया है और अब इसके बाद इसके आगे का जो रास्ता है, आगे की जो मंजिल है, उस मंजिल को तय करने की जो कोशिश है वो इस तिरंगा यात्रा के जरिए 75 किलोमीटर का जो सफर है उसे तय करने का जो संकल्प लिया गया था इस तिरंगा यात्रा के जरिए उसे पूरा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पूरे रास्ते भर जो देशभक्ति के गाने हैं वो बज रहे हैं, भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं पूरा प्रयास और पूरी कोशिश है इस तिरंगा अभियान को, इस तिरंगा यात्रा को बेहतर करने की, सफल करने की, और उसी की तैयारी चल रही थी। आज 10/90 चौराहे से उसे शुरू किया गया और नवाबगंज टोल प्लाजा की तरफ अब धीरे धीरे ये जो काफिला है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा अजगैन होते हुए अब ये सीधे जो भाजपा का जो जिला कार्यालय है वहां पर पहुंचेगा। लेकिन एक अहम चीज है, ये तस्वीरें देखिए, जगह जगह पर लोग जो है, जगह जगह पर जो कार्यकर्ता है, जो युवा है, जो अलग अलग गांवों के लोग हैं जिनको पता था कि इस रास्ते से ये तिरंगा यात्रा जो है वो गुजरने वाली है, जगह जगह पर वो रुक करके उसका जो स्वागत अभिनंदन है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सबके हाथों में तिरंगा है, सब देशभक्ति की भावना से लबरेज हैं और पूरी कोशिश है उन सबकी कि इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के इस तिरंगा यात्रा को सफल किया जाए, इस तिरंगा यात्रा को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसको बेहतर करने की जो कोशिश सुबह से लगी हुई थी उस कोशिश को पूरा किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, लगातार जो चल रही है ये तिरंगा यात्रा, और उस तिरंगा यात्रा में आप देखिए, देखिए साफ तौर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति इस वक्त देशभक्ति की भावना से लबरेज होकर के सड़क के किनारे तिरंगा लेकर के खड़े हैं और इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए वो देखिए किस तरह से अकेले खड़े हैं, तिरंगा लेकर के खड़े हैं। ये तस्वीर कहीं ना कहीं भावनाओं से जुड़ी हुई है, ये तस्वीर कहीं ना कहीं आंखों को नम भी करती है लेकिन मन को खुशी भी देती है। और जो शक्ति है, जो ताकत है देश प्रेम की, उसे और बढ़ाने की जो कोशिश है उसे और चार चांद तक पहुँचाती है। तिरंगा यात्रा अब धीरे धीरे और बढ़ती हुई और आगे की तरफ कूच करती हुई उन्नाव की तरफ जाना है इस तिरंगा यात्रा को, और लगातार ये जो तिरंगा यात्रा है इसी तरह से बढ़ती जाएगी, उन्नाव तक ये तिरंगा यात्रा जाएगी। बड़े पैमाने पर युवाओं का इसमें जोश देखने को मिल रहा है, बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता है उनका जोश देखने को मिल रहा है, बड़े पैमाने पर बीजेपी के नेताओं का जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुरुआत ही आज सुबह जब 10/90 चौराहे पर इसकी की गई, ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई करने के लिए आए थे, कुछ दूर तक वो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। रामचंद्र प्रधान जिनकी अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा उन्नाव तक जा रही है,
विधान परिषद के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं मौजूदा समय में, वो इस तिरंगा यात्रा में अभी तक शामिल हैं। और उनके अलावा अलग अलग जिलों से आए हुए भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता और कई ऐसे समर्थक रामचंद्र प्रधान के, भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा आम जनता, आम युवा, वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल है। वो इस तिरंगा यात्रा को सफल करने की कोशिश सुबह से ही कर रही थी और लगभग वो कोशिश जो है वो इसी तरह से अभी भी चल रही है। फिलहाल लखनऊ का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को क्रॉस कर लिया गया है। थोड़ी देर बाद उन्नाव ये तिरंगा यात्रा जो है वो पहुंचेगी, क्योंकि उन्नाव के भाजपा कार्यालय पर, जो जिला भाजपा कार्यालय है, वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। वहीं पर ये तिरंगा यात्रा जो है वो समाप्त होगी और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जिस तरह से नवाबगंज यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, थोड़ी देर में नवाबगंज ये जो काफिला है वो पहुँचेगा और नवाबगंज टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद फिर अजगैन होते हुए ये जिला कार्यालय उन्नाव की तरफ बढ़ेगा। तो बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में आम जनता इस तिरंगा यात्रा को बढ़ावा देने के लिए, इस तिरंगा यात्रा को बेहतर करने के लिए लगी हुई है। और सुबह से ही इस तरह का जो नज़ारा था वो देखने को मिल रहा था। पुलिस प्रशासन का जो अमला था वो लगा हुआ है, सुबह भी वो लगा हुआ था, ताकि इस कार्यक्रम को किसी भी तरीके से सफल बनाया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। और लगातार इस कार्यक्रम को बेहतर करने के लिए, इस कार्यक्रम की सफलता को और अच्छा करने के लिए, कैसे इस कार्यक्रम को सफल किया जा सकता है, उस कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए जो प्रयास था वो इसी तरह से जारी है। तो कुल मिलाकर के सरकार की मंशा थी कि इस अमृत महोत्सव पर देश प्रदेश में तिरंगा अभियान लगाया जाए। हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था और उसी कड़ी में जो तिरंगा यात्रा है वो शुरू की गई है। और इस तिरंगा यात्रा में आज राजधानी लखनऊ से ये तिरंगा यात्रा जो है वो शुरू की गई है। और इस तिरंगा यात्रा में कहीं ना कहीं इसकी जो शुरुआत आज राजधानी लखनऊ के दशरथ चौराहे से हुई। रामचंद्र प्रधान जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं और विधान परिषद के सदस्य होने के नाते उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि इस तिरंगा यात्रा की मैं अगुवाई करूंगा, और उन्होंने इसकी अगुवाई करते हुए इस तिरंगा यात्रा को शुरू किया। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक इस तिरंगा यात्रा में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक खुद पहुंचे हुए थे। इस तिरंगा यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखा करके, तिरंगा दिखा करके शुरू किया। थोड़ी दूर तक वो भी साथ में गए और पूरे रास्ते अगर हम बताएं तो पूरे रास्ते कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं, पूरे रास्ते कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, पूरे रास्ते कहीं ना कहीं जो सहयोग है, कहीं ना कहीं जो देशभक्ति की भावना है, उस भावना से जुड़े हुए लोग हैं, वो जगह जगह पर रुके हुए हैं, जगह जगह पर समर्थन कर रहे हैं इस तिरंगा यात्रा की। इस तिरंगा यात्रा को भव्य कैसे किया जाए, बेहतर कैसे किया जाए, उसके लिए पहले से संकल्प लिया गया था सरकारों की तरफ से कि अमृत महोत्सव है, इस अमृत महोत्सव में किस तरह से इस अमृत महोत्सव को बेहतर करना है, किस तरह से हर घर तिरंगा अभियान को बेहतर करना है, हर घर पर तिरंगा कैसे लगाया जाए, अहमियत कितनी है आज़ादी की। 2 तारीख से ये अभियान शुरू हुआ था से, और अभी ये अभियान जो है वो राजधानी लखनऊ में आज सुबह देखने को मिला कि किस तरह से एक शानदार जोश जो था वो युवाओं के अंदर, भाजपा के नेताओं के अंदर, भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर, और कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष भी सहयोग पूरा करते हुए नजर आया है। अखिलेश यादव की तरफ से भी तिरंगा यात्रा, तिरंगा अभियान शुरू किया गया, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से भी, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी, तो लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस तिरंगा अभियान, इस तिरंगा यात्रा की, इस तिरंगा अभियान की, हर घर तिरंगा अभियान की सराहना की। अलग अलग तरीकों से कार्यक्रम किया गया और अब आज 10 अगस्त को राजधानी लखनऊ से, 10 नब्बे चौराहे से ये तिरंगा अभियान, ये तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत इस तिरंगा यात्रा के जरिए लखनऊ से लेकर के उज्जैन तक के लिए, माफ कीजिएगा, उन्नाव तक के लिए जाती हुई। और उन्नाव के रास्ते में इस वक्त देखिए साफ साफ तौर पर युवाओं के अंदर जोश है। हालांकि जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया है, हेलमेट्स नहीं लगाए गए हैं, ट्रिपलिंग करी जा रही है, लेकिन अब बात अपने देश की है, बात आज़ादी के 75 वर्ष की है, तो कहीं ना कहीं
थोड़ा जोश दिखाना सही है, लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे, ट्रिपलिंग करेंगे तो नुकसान हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो जोश है, भारत माता की जयकारे के नारे जो है वो लग रहे हैं, लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है, और क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल हैं। महिलाएं भी इस यात्रा को बढ़ चढ़कर बेहतर करना चाहती हैं, महिलाएं भी इस यात्रा को शानदार बनाना चाहती हैं, और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है। देखिए सामने एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाइक पर एक महिला जो है वो तिरंगा लेकर के इस वक्त, बिल्कुल देखिए पीछे की तरफ एक महिला तिरंगा लेकर के इस वक्त आती हुई इस यात्रा में शामिल है, और ये महिला राजधानी लखनऊ से ही आ रही है। तो सबकी अपनी जो चाहत है, देश प्रेम है, वो सब कहीं ना कहीं दिखाते हुए, वो कहीं ना कहीं सब इस चीज़ को बताते हुए कि उन्हें अपने देश से, हम सबको अपने देश से, हम सबको इस अमृत महोत्सव से, हम सबको आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने से कितना सुकून मिल रहा है, कितनी खुशी मिल रही है, कितना गौरवान्वित महसूस हम कर रहे हैं। और उन्हीं सबका जो नज़ारा है ये हमारी टीवी स्क्रीन्स पर राजधानी लखनऊ से शुरू हुआ था, जो अभी तक लगातार 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 चल रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर के उन्नाव तक की ये तिरंगा यात्रा रामचंद्र प्रधान की अगुवाई में, जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसकी अगुवाई करी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद आए, प्राइम टीवी पर बोलते हुए भी उन्होंने कहा कि गौरव का समय है, ये गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और हम सबको गौरवपूर्ण समय में सहयोग करना चाहिए, मिलना चाहिए, और सब मिल करके इस तिरंगा अभियान को, इस तिरंगा यात्रा को खुशनुमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है कि ये तिरंगा यात्रा, ये अमृत महोत्सव, ये आज़ादी के 75 वर्ष कितने अहम हैं, कितनी बलिदान देने पड़े, कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, कितने देशभक्तों ने इस लड़ाई को लड़ करके हमें, आपको आज़ादी दिलाई, और उसी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर ये जोश युवाओं के अंदर, ये जोश कार्यकर्ताओं के अंदर, ये जोश नेताओं के अंदर, और ये जोश आम जनता के अंदर, हमारे और आपके अंदर, जाहिर सी बात है होना भी चाहिए था, और बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है। लखनऊ से उन्नाव की तरफ प्रस्थान हो चुकी है ये तिरंगा यात्रा, और एक तिरंगा यात्रा में एक और आम तो नहीं खास बात यह है कि इस तिरंगा यात्रा में एक गाना इस वक्त काफी शानदार तरीके से, काफी अच्छे तरीके से बज रहा है, और इस तिरंगा यात्रा में ये जो गाना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, यूपी में फिर से योगी जी आए हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये गाना बजता हुआ। और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, वो सब इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, वो सब इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने की कोशिश कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद मौजूद रहे, उन्होंने इसकी अगुवाई की, उन्होंने इसकी शुरुआत की, उन्होंने कहा कि मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये गौरवपूर्ण क्षण है, और इस गौरवपूर्ण क्षण को हम सबको जीना चाहिए, हम सबको इस गौरवपूर्ण क्षण को खुशी खुशी मनाना चाहिए, और हम सब उस गौरवपूर्ण क्षण को खुशी खुशी मना रहे हैं। तो ये तिरंगा अभियान, इस तिरंगा अभियान की जो शुरुआत थी वो सरकार की तरफ से कहा गया था कि हर घर पे तिरंगा लगेगा, हर घर पे तिरंगा लगाने का जो अभियान था वो सरकार की तरफ से चलाया गया था, और अब धीरे धीरे उन्नाव की तरफ प्रस्थान करती हुई ये तिरंगा दल बड़े पैमाने पर, जो कार्यकर्ता, बड़े पैमाने पर जो युवा है, बड़े पैमाने पर जो देशभक्त हैं, अलग अलग जिलों से राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे, और अब राजधानी लखनऊ से ये जो तिरंगा यात्रा है, ये तिरंगा यात्रा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये अब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, ये अब धीरे धीरे उन्नाव की तरफ प्रस्थान करती हुई, और
कहीं ना कहीं जिस संकल्प के साथ इस तिरंगा यात्रा को शुरू किया गया था, जिस संकल्प के साथ इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ था, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस तिरंगा यात्रा में आए थे, उस तिरंगा यात्रा को बेहतर शानदार करने के लिए जो प्रयास था, उस प्रयास को पूरी तरह से पूरा करते हुए ये कार्यकर्ता, ये युवा, ये देशभक्त तिरंगा यात्रा उन्नाव की तरफ अब धीरे धीरे प्रस्थान करती हुई। हम पल पल की तस्वीरें इसी तरह से आपको दिखाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पर, तब तक जुड़े रहिए प्राइम टीवी से और देखते रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा प्राइम टीवी।